बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज की जो है रेसिपी है वो है चॉकलेट केक की, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं ओरियो के बिस्किट, 6 पैकेट्स मैंने ओरियो के बिस्किट लिए हैं और 3 मैंने चॉको चिप के लिए हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह क्रीम को अलग कर दिया है और बिस्किट को अलग, क्योंकि इस क्रीम जो है इससे भी हम इसका क्रीम बनाएंगे। तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया, साथ मैंने मिल्क भी डाल दिया, क्योंकि ज़रा मुश्किल से इसका जो पाउडर होता है बनता है, तो इसलिए मैंने साथ मिल्क भी डाल दिया और बिस्किट भी डाल दिया। तो इसका ये आप देख सकते हैं अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन गया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ये पैन को मैंने जो है पहले से ही ग्रीस किया हुआ था ऑयल से। और अब मैं इसमें ये बैटर जो है ये सारा डाल दूंगी और इसका बैटर बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा रेडी है। तो ये बैटर भी मैं इसमें डाल दूंगी और फिर मैं इसको जो है बेक करने के लिए मैंने पतीले को जो है प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले ही रख के। और नीचे मैं नमक डालती हूँ स्टैंड रख के, फिर मैं ये रख दूँगी और थोड़ा सा मैं इसको टैप टैप करूँगी ताकि इसका जो एयर वगैरह हो वो निकल जाए। और यहाँ पे फिर मैंने रख दिया और ये तकरीबन 40 से 50 मिनट तक तैयार हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं केक बिल्कुल तैयार था। मैंने इसमें टूथपिक डाल के चेक किया, टूथपिक अगर आपका साफ निकलता है तो आपका केक बिल्कुल रेडी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केक मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे से पैन से निकल गया है। मेरे पास जो है बटर पेपर भी नहीं था, मैंने इसी तरह सिर्फ लगाती हूँ ऑयल से ग्रीस करके पैन को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निकलता है। तो उसी के साथ मैं आज आप लोग को घर पे ही चॉकलेट बनाना भी सिखाऊंगी कि हम लोग केक के लिए कैसे चॉकलेट बना सकते हैं घर में ही। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है पैन में 2 स्पून जो है मैदा। तो मैदे को जो है हम थोड़ा भूनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज होने लगा है। फिर हम इसमें 2 ही चम्मच डालेंगे ये कोको पाउडर और फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि मैदा हमारा जो है जले ना। और यहाँ पे कोको पाउडर मैंने 2 चम्मच डाल दिए और अब हम इसको मिक्स करते हैं। और एक कप हम इसमें शुगर डाल देंगे। ठीक है, 1 कप मैं इसमें शुगर भी डाल दूंगी और इसको देख सकते हैं 1 कप मैंने शुगर डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें इस 1 ही कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं 1 कप मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसके जो गुठलियाँ वगैरह हो वो बिल्कुल जो है इसमें हल हो जाए, कोई गुठली वगैरह ना रहे। और इसमें चम्मच चलाते रहें और इसको हल्की आंच पर रख दे और चम्मच भी थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें ताकि नीचे से लगे भी ना। और इसको 10 मिनट तक, तकरीबन 10 मिनट में एक चॉकलेट रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारा जो है जो मैदा और कोको पाउडर चीनी का बैटर था वो गाढ़ा हो चुका है। और अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा घर में चॉकलेट रेडी हो जाएगा। अगर आप इसमें 2-3 जितने भी आप अगर डालना चाहे तो चॉकलेट डेयरी मिल्क जो होती है वो इजीली मिल जाती है, तो वो भी डाल दे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाले। ठीक है, और ये जो मैंने क्रीम अलग की थी बिस्किट से, इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी, फिर ये भी हम लोग ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉकलेट बिल्कुल रेडी है और ये भी बिल्कुल आसानी से 3 इंग्रेडिएंट से ही बनती है। इसकी चॉकलेट भी और ये केक भी बहुत ही इजी केक है और बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये मेरी हस्बैंड की दोबारा से फरमाइश थी कि आप वो केक फिर से बनाएं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाया है और आप लोग सब भी शेयर किया, फिर आज मैंने फिर बनाया तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ तो चॉकलेट की रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि घर में ही हम किस तरह आराम से इजीली चॉकलेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप इस पर अच्छे से चॉकलेट को लगा दें और ये बहुत मज़े का लगेगा आप लोगों को। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। और मैंने अच्छे से इस पर चॉकलेट है जो अच्छी तरह से पूरी लगा दी थी।
और फिर जो है मैंने इसको रख दिया ताकि ठंडा हो जाए। और फिर जो मैंने पिंक क्रीम जो अलग की थी तो वो भी मैंने ऊपर से डाल दी थी, क्योंकि बच्चों को था कि थोड़ा मम्मा डेकोरेट कर दो, तो मैंने वो भी डाल दिया। और जो क्रीम मेरी बची थी वो मैंने मेरे पास क्योंकि कोन तो था नहीं, तो मैंने जो है ऐसी शॉपर में डाल के उसमें एक छोटा स्वाह किया और उससे ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट किया और ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल डाल दिए, तो मज़ेदार सा केक हमारा रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये रेसिपी।